बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स हैं भाई। ओहो, गलत जगह आ गए। और आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी चीज करने। हमारी न्यू सैंपल यूनिट इज रेडी, वी आर गोइंग टू परचेज अ लॉट ऑफ इंटीरियर का स्टफ, बहुत सारा डेकोर आइटम्स, और दिखाएंगे आपको कैसे सस्ते से सस्ते में, कम से कम बजट में आप एक 3 BHK को बना सकते हो बहुत ही लाविश, बहुत ही अच्छा, एंड यू कैन अपग्रेड योर लिविंग। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा मुझे बोलते थे कि प्लीज गिव अस अ गाइड ऑन हाउ टू डेकोरेट अ 3 BHK, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इट। लोकल मार्केट से हम लोग सारे प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक इट द बेस्ट। सो बिना किसी देरी के बढ़ते आगे। सो दीज आर सम बुक्स आई एम पिकिंग अप फ्रॉम माय होम, दीज आर सम पेंटिंग्स जो मैं अपने घर से ही उठा रहा हूं। इनको क्या है, थोड़ा डैमेज हो गई है, सो वी विल हैव टू रिपेयर। इस पूरे ब्लॉग का मकसद एक ही है कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ओवरहॉल एक प्रॉपर्टी को कैसे किया जाता है कम से कम बजट में, कीपिंग दैट इन माइंड। सो दैट इज गोइंग टू बी द एम ऑफ दिस वीडियो, एंड आपको हर चीज का लिंक, हर चीज का प्राइस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। पूजा और मैं मिलके करने वाले हैं बजट में काम सारा। क्या क्या लेंगे आज ये बताओ पहले। आज हम लेंगे प्लांटर्स, आर्ट पीसेस और बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स हैं भाई। देखना क्या रिनोवेशन हुई है, बिना किसी देरी के फटाफट से चलते हैं। 1 2 3 So guys, आ गए हम हमारे सैंपल फ्लैट में। दिस इज गोइंग टू बी आर सैंपल यूनिट फॉर ईयर 2022, वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स टिल नाउ। पर बात यह है कि अभी थोड़ा रॉ लग रहा होगा आप लोगों को, लगेगा कितना सुंदर बन पाएगा, क्या कर पाएंगे क्या नहीं, इसकी पूरी जर्नी दिखाएंगे आपको, ऐसे नहीं समझ आएगा। तो फटाफट से करते हैं 3 2 1। ओहो, गलत जगह आ गए। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है पर ज्यादा काम नहीं हो पाया, कोई नहीं एक और बार करके देखते हैं। 1 2 3 गो। तो देखा भाई, इतना सुंदर सैंपल फ्लैट हम लोगों ने बना दिया है उसी यूनिट को, यू कैन सी। अब आप सोचोगे कैसे बना दिया, तो चले चलते हैं जर्नी पे, क्या क्या शॉपिंग की, कैसे की, बैक टू द बेसिक्स, और फिर आएंगे इस पर, फिर आपको पूरा टूर देंगे इसका। दिन के बच चुके थे चीन दिन के बच चुके थे 3, तो पूजा ने कहा कि लेट्स गो टू बंजारा पहले। तो हम लोग बंजारा मार्केट आए हुए हैं। दिस मार्केट इज लोकेटेड इन सेक्टर 56, वेरी फेमस मार्केट। बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारा मॉडर्न फर्नीचर आपको बहुत सस्ते रेट पे यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमें लेना छोटे पोर्ट्स प्लांटर्स के लिए, ताकि हम लोग शोकेसेस वगैरह पे लगा पाएं। वी हैव चूजन दीस फोर
ये चार हम लोगों ने लिए हैं 150 में। वी गॉट दीज फोर प्लांटर्स। आपको ऐसे प्लांटर्स यू वुड नॉट गेट इन 150 बक्स एनीवेयर इन गुड़गांव। और टेकन दिस, ये बड़ा अच्छा डेकोर आइटम है फॉर 150 बक्स। ये लिए हम लोगों ने, एक ये लिया है, बोथ इन 120 रुपीज। पिकड अप दिस मिरर, ये हमने 1500 में मिरर लिया है जिसको हम लोग अपनी गैलरी में हैंग करेंगे। ज़्यादा रिफर्बिश्ड चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। अगर यही आर्ट पीस आप अच्छे किसी स्टोर पे देखने जाओगे, यू विल गेट इट अराउंड एटलीस्ट 5-6,000। पूजा को पिछली दो बारी से हम लोग आ रहे हैं, साइकिल बड़ी पसंद आती है। क्या दूध बेच के आएगी क्या इसमें? एक में लस्सी, एक में दूध और एक में रायता। 700 रुपये में लिए, इसमें 3 डोलू भी फ्री आए हैं। पिछले 2 वीक में 3 बार आए हैं और तीनों बार ये साइकिल पे नजर गड़ाए बैठी थी। पता नहीं जैसे इस पर बैठ के रोतक जाएगी, क्या मन में थी, लेके ही मानी आज इसने ले ही ली। पर चीज देखी, कुछ कुछ अच्छे ब्रांड्स के आइटम्स हैं, जैसे आईके के भी रियल कप्स हैं यहाँ पे, बट कुछ ही आइटम्स हैं, वो ज्यादा नहीं है। शुगर के लिए हम लोगों ने लिए 2 ये बाउल्स, एक वाटर बाउल, एक फूड बाउल है, बड़ा अच्छा है। मेरे से परेशान हो जाएगी तो मैंने 2 इसलिए लिए कि एक में ब्राउन शुगर खा लेंगे, एक में मैं खा लूंगा। तो मैं सेफ्टी पर्पज के लिए जरूर अपना सोचे, सेफ्टी बहुत जरूरी है भाई, पता नहीं कब बीवी बाहर निकाल दे आपको अपने ही घर से। We've taken these frames, 400 रुपये में टेकन 6 फ्रेम लिए हम लोगों ने। खाली वॉल पे इसको लगाएंगे, आप देखना कैसा लगेगा। ये भी प्लान कर रहे थे एक वॉल पे ना, विल हैंग दीज फ्रेम्स, 1500 के 2 हैं ये, बट नाउ वी स्किप्ड इट बिकॉज फिर सेम हो जाएगा, देख लो आ जाएगा ना। मिरर ये सब तो ले लिया, गैलरी के लिए भी कुछ सामान लिया है, प्लांटर्स रह गए हैं वो अभी लेंगे हम लोग, एंड देन विल सेट द प्लेस अप। तो अब हम लोग आ गए हैं एक नर्सरी में, सो विल बाय अ लॉट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम हियर। कहाँ से आते हो? गजरोला से? कलकत्ता से आती है। और क्या, कलकत्ता, पुणा, आंध्रा। वो वाले दिखा दो जो खराब नहीं हो कभी भी। हाँ, कभी भी जो खराब भी ना। भाई भत्ती से चौथे दिन तो डाल दोगे। ठीक है, ऐसे करियो। ठीक है, ऐसे निकाल। अच्छा, फिर ये डाल दें किसी भी गमले में। हाँ। सो गाइस, आ गए हैं हमारे सैंपल फ्लैट यूनिट में। इस यूनिट में आप देखोगे तो ये 2 सेटीज, ये 2 चेयर्स एंड दिस सोफा, दिस इज व्हाट वी हैड अर्लियर फ्रॉम आवर वेंडर पार्टनर्स आल्सो। आपने पिछली यूनिट वीडियोस में भी देखा होगा, तो ये वही है। साथ हम लोगों ने ये जो रग परचेज किया, कारपेट परचेज किया है, दिस इज फ्रॉम बंजारा मार्केट। मॉड्यूलर टेबल मेड आउट ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड वुड, काफी ही बजट टेबल है। इसका प्राइस भी अभी आपको दिखने वाला है। ये ट्रे भी हम लोगों ने बंजारा मार्केट से लिए, सो यू कैन एनालाइज। दीज कुशन्स वर बॉट ऑनलाइन, इसका प्राइस भी आपको दिख जाएगा अभी। टॉकिंग ऑफ द पेंटिंग्स जितनी भी है, दीज आर ऑल आर होम्स ऑफ का वॉल आर्ट, पूजा टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस, प्राइसिंग आपको दिख जाएगी अभी। तो दिस प्लांटर इज ऑल्सो फ्रॉम मेरोली रोड। टीवी यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो टीवी यूनिट आपको लगी लगाई मिलती है हमारी यूनिट में, दिस इज समथिंग दैट कम्स विद द यूनिट इटसेल्फ। ये एरिया जो आप देख रहे हो पूरा डिजाइन किया पूजा ने, ये कोई क्यूट चीज नहीं भाई, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिशियन चढ़ के हैंग करने लग गया था लाइट को, तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज लाओ तो मेक श्योर कि आपकी दीवार में एडजस्ट हो जाए। तो देखने में बड़ी सुंदर है, नो डाउट, फुल लेंथ मिरर यहाँ आ जाता है। आप यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी रख सकते हो अदरवाइज। कमिंग टू द किचन नाउ, किचन आपको ऐसे कैसे मॉड्यूलर बनी बनाई मिलती है ना यूनिट्स, मंदिर आपको बिल्ट अप मिलता है ऑलरेडी इन द यूनिट, रग फ्रॉम बंजारा मार्केट। इस बेड की कॉस्टिंग अराउंड आई थी हमारी 30,000 रुपए के आसपास, इंक्लूडिंग 2 साइड टेबल्स। मैट्रेस आप देखोगे कॉस्टेड अस 15,000 रुपीज। एंड कमिंग टू द बालकनी देखोगे सिर्फ प्लांटर्स लगाए हैं, बाकी एज इट इज बना बनाया आप लोगों को मिलता है। सिर्फ प्लांटर्स की कॉस्ट आप जोड़ लेना तो 200-300 रुपए का मेरे के लिए एक प्लांटर है। अगेन कस्टम वॉल आर्ट, ये जो है हम लोगों ने खुद बनवाया अपनी साइट पे, दिस कॉस्टेड अस अबाउट 500-600 रुपीज बनाने में। सिमिलर कमिंग टू द अदर बेडरूम, ये जो बेड है ऐसी बहुत पुरानी स्टोरी है, ये 10 साल पुराना बेड है, बिलीव नहीं करोगे। मेरे पुराने से पुराने वाले घर में भी ये बेड था, हम लोगों ने इसकी माइका वाइका चेंज कराई, 5,000 वाली हमारी कॉस्ट आई है, बट आप 25,000 रुपये बेड की कॉस्ट मान सकते हो। हैंगिंग लाइट्स की अगर बात करते हैं हम लोग, हैंगिंग लाइट जो आप देख रहे हो ये वाली, इट रिटेल्स फॉर अबाउट 1,000 रुपीज। टीवी यूनिट आपको बिल्ट इन मिलती है, प्लांटर्स हम लोगों ने परचेज किए हैं। रग्स की अगर मैं बात करूँ, सारे ही कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं, इस रग का प्राइस भी आपको दिख जाएगा। बेड ये अर्बन लैडर का बेड है, अर्बन लैडर का इसमें साइड टेबल है। डेकोर पीस ये बंजारा मार्केट का है, हैंगिंग लाइट चांदनी चौक से ली हुई है। वॉशरूम की मैं बात करूं तो आपको वॉश बेसिन, सीट, इनबिल्ट फ्लशेस और ये सब आपको लगा लगाया मिलता है। हम लोगों ने खाली इसमें मिरर हैंग किया है, मिरर हम लोगों को पड़ा अप्रोक्सीमेट 2,000 रुपए का, ये हमने इसमें इंस्टॉल किया है। टॉकिंग ऑफ दिस बाथरूम, इस बाथरूम में क्या टाइल्स चेंज की है मैंने, बेडिंग एरिया के लिए भी केप्ट इट डार्क, तो ये तो आप कैसे कैसे मिलता है। दिस मिरर कॉस्टेड अस 2,000 रुपीज की, सब कुछ आपको इनबिल्ट इंक्लूडिंग द वैनिटी, ऐसे के ऐसे आपको हमारी यूनिट्स में लगा लगाया मिलता है।
सो टॉकिंग ऑफ द टोटल रेनोवेशन कॉस्ट या ओवरहॉल की कॉस्ट कितनी लगी, तो आप लगा सकते हो करीबन करीबन मैंने कैलकुलेशन की थी 3,40,000 के आसपास में हमने इसको इंटीरियर पूरा किया है, जिसमें कि बहुत सी ऐसी चीजें जिनकी जरूरत भी नहीं थी। अगर आप अच्छे से इस यूनिट को फर्निश करते हैं तो मुझे लगता है 280 के आसपास में हो जाता, बट इसकी डिमांड थी कुछ चीजों की। टॉकिंग अबाउट द यूनिट, अच्छी बात यह है कि इन दीज पास्ट ईयर्स आप लोग का प्यार और साथ इतना रहा है कि हम लोग इन पिछले सालों में इतना बढ़ पाए हैं एंड वी बीन एबल टू डिलीवर यू दिस प्रोडक्ट। इसका प्राइस टैग अगर मैं बात करूं, दिस यूनिट कॉस्ट यू अबाउट 63 लाख रुपीज एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स यू विल सी इन दिस बजट इन टोटल ऑफ दिल्ली एनसीआर। 80% लोनेबल है, टोटल रजिस्ट्री का टाइटल है, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज यू कैन अफोर्ड राइट नाउ। तो जितना आप पहले रेंट दे रहे थे, टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट उतने ही रेंट की जगह आप ईएमआई दीजिए, जस्ट पे 10% एडवांस एंड ग्रैब योर ओन होम। सो दिस वॉज अबाउट द ओवरऑल रेनोवेशन ऑफ दिस प्लेस एंड द product we built this year. So this is Homes of Downtown. Thanks for all the love, care and प्यार जो आप लोगों ने इतना दिया. So thank you. Subscribe to the channel and like the videos. Take care, stay safe. Bye bye. ले आ भाई, मेरे को मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, कुछ तो बोल लिया कर भाई, कुछ तो बोल लिया कर। देख रही थी आप इतना अच्छा बोल रहे थे, एक चीज भी ऐड ऑन नहीं करती बंदी वाली। शॉपिंग कर ली थी, सिर्फ शॉपिंग कर ली, कोई प्राइस टैग से कोई इंटीरियर से उसको कोई लेना देना नहीं, अच्छी जगह बना ली है, 2-4 दिन आराम से बिताएगी उसका घर। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू।